नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम लोग मौजूद हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले गांव में, जहां से किसानों ने एक बार फिर से अपना लॉन्ग मार्च शुरू किया है। जैसे कि पिछले एक महीने पहले ही किसानों ने एक लॉन्ग मार्च किया था, जिसमें सरकार ने लगभग इनकी सारे मांगे मान ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहना है जो इनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई। और उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएँ हुई जिसकी मांग इन्होंने सरकार के सामने रखी और सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है। तो इन्होंने फिर से एक 60 किलोमीटर का मार्च है जो अकोले गाँव से शुरू होकर इसी अहमदनगर के जिले में ही लोणी गांव है वहां तक जाएगा, जहां राजस्व मंत्री का ऑफिस है वहां पर जा रहे हैं। इनका कहना है अगर सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी 28 अप्रैल तक, जहां तक मार्च 3 दिनों का है, तो उसके बाद ये अनिश्चितकालीन धरने पर वहीं बैठेंगे। इस लॉन्ग मार्च में शामिल किसान नेताओं और आम किसानों से बात करके समझने की कोशिश करी कि उनको दोबारा लॉन्ग मार्च में क्यों शामिल होना पड़ा और ये लोग क्यों लॉन्ग मार्च निकालने को क्यों मजबूर हुए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति भी इस मार्च में शामिल है क्योंकि सरकार ने जो वादे किए थे राशन के बारे में कि सबको अनाज देंगे, उन्होंने रोजगार के बारे में वादे किए थे कि रोजगार गारंटी का जो कानून है उसको ठीक तरह से अमल में लाएंगे, वो कहीं नहीं हो रहा है। और दूसरी जगह पे जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की अमल वजौनी बहुत ही ख़राब हुई है महाराष्ट्र में। और अभी फॉरेस्ट अधिकारी जो होते हैं वो औरतों को बहुत परेशान कर रहे हैं। आप सूखी लकड़ी लेने को जाओ, फॉरेस्ट में अपनी ज़मीन करने के लिए जाइए, तो औरतों को सताते हैं, भगा देते हैं, मारते हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो औरतें बहुत ही नाराज़ हैं और वो चाहती है कि सरकार इसके ऊपर पहलकदमी करे, जो वादे किए थे वो वादे पूरे करे। ये गुस्से से वो आज सभी औरतें शामिल हैं। दूसरी जगह पे जो ज़मीन उनके हाथ में है वो ज़मीन भी हथियाना चाह रही है सरकार, आदिवासियों के घर तोड़ रही है कई जगह पर। तो ये ज़िंदगी जिएगे कैसे, ये सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। इसलिए ये मार्च निकला है और औरतें बहुत बड़े पैमाने पे इस पे शामिल हुई हैं। यह हमारे जो हम काम करते जो शालीय पोषण आहार का बनाते उसका मानदंड सिर्फ 1500 रुपये, उसमें से हमारा कुछ ही नहीं चलता। खाली घर में राशन पानी लाना पड़ता है, कोई वस्तु खरीदने पड़ते हैं उसे ज़्यादा पैसा पड़ता है। शाली शक्कर भी नहीं आती, जो आप 50 रुपये कमाते हैं ना शालीय पोषण आहार के, उसकी शक्कर ही नहीं आती, चाय पत्ती नहीं आती। अभी हम हमारे बच्चों का पेट कैसे पाले। ये क्या बर्तन होता है घूम रहा खाना खाना पकड़ के लिए? अपना खाना नेता लोग खाना नहीं खिला रहा। हम अपने आप पका के खाएगा, अपना पकाया खाएगा पूरे मार्च में। तो वही इतना धूप में मार्च में पैदल क्यों चलने को चले आए? खेती के लिए। क्या होता है खेती में, क्या दिक्कत है? हमको खाने को नहीं देता है इसीलिए, अपना खेती अपने खाने को नहीं देता है। कहाँ पे खेती करते? कोल्हापुर। कहाँ? बनभूमि में। गड़ी लैंड में करते हैं, वो परेशान करते हैं। कहाँ से आए आप? विक्रमगढ़। हाँ, इतनी धूप में पैदल मार्च करने के लिए क्यों चले आए आप? हमारा जगह कम है ना, इसलिए। कहाँ खेती करते हैं? वनभूमि पे। हाँ, वनभूमि फॉरेस्ट प्लाट। फॉरेस्ट प्लाट पे खेती करते हैं। हाँ। परेशान करता है? हाँ। कैसे परेशान करता बताइए। वो इसको जगह हमको नहीं लगा दे, खेती नहीं करने देता। हाँ, खेती नहीं करने देता। किसानों की जो मांगे हैं पिछली 12 तारीख से 16 मार्च तक जो लॉन्ग मार्च बम्बई में हुआ, वो सरकार ने पूरी मांगी मानने की, लेकिन जो भी जो मेन सवाल है किसानों का, जो फसल का जो दाम है, जो अतिवृष्टि आ रही है उसका जो नुकसान भरपाई, ये लोग दे रहा ही नहीं। और ज़मीन का सवाल तो बहुत बड़ा सवाल है। ये 4 मार्च है और हर बार हम ये देख रहे हैं कि सरकार तो जब डिस्कशन होता है मार्च के बाद तो वो प्रॉमिसेस देती है, बोलते कि हम सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं करती है। ये तो हमारा अभी ये 3 पहले जो मार्च हो गए उसका हमारा एक्सपीरियंस हो गया है। ये जो मार्च में जो मार्च लॉन्ग मार्च हो गया था उसमें जो बहुत सारी प्रॉमिसेस उन्होंने दी थी, वो प्रोमिसेस में जो लैंड के बारे में जो प्रोमिसेस है, स्पेशली जो फॉरेस्ट राइट्स का है, टेंपल लैंड कल्टीवेटर्स को देने के बारे में है, और जो ज़मींदार जो पुराने थे उनकी ज़मीन ये जोत रहे हैं ये हमारे जो काश्तकार, उनके नाम पे वो ज़मीन नहीं हो गई है। तो इतने सारे वो जो ये जो सवाल है, ये सवाल के ऊपर सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसलिए हमें ये सवाल उठाकर सरकार के सामने बार बार जाना पड़ रहा है। बार बार हम सरकार के खिलाफ आंदोलन किया,
लेकिन अभी तक हमारी जो मांग थी वो पूरा नहीं हुआ। जैसा कि हमारे आदिवासी भाई वन जमीन में रहते, लेकिन 2006 का कानून है, फिर भी उनको सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उससे बाद में वो जो प्रशासन उसको तकलीफ दे रहा, उसको घर से बाहर निकाल रहा, उसको घर हटा रहे, घर से निकाल रहे, ज़मीन से बाहर कर रहे, इसीलिए ये निकाल रहे। और जो किसानों का बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसा कि गन्ना किसान को रेट नहीं मिलता है, कपास किसान को रेट नहीं मिलता, जो ओला आता है ना, जैसा जो असमय में बारिश गिरती, बे मौसम में बरसात हुई, उसको जो कुछ सब्सिडी मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला, खाली डिक्लेयर होता है, बहुत कम देता तो बहुत कम किसान को मिलता, ज़्यादा मिलता नहीं, जैसा लागत बहुत लगती, उसका खर्चा भी निकाल रहा नहीं। तो ये इसीलिए ये जो हमारा जुलूस जा रहा है, जो गवर्नमेंट की लैंड है इसके ऊपर कुछ लोग इधर महाराष्ट्र में गायरान बोलते हैं मराठी में लैंग्वेज में, तो वो गवर्नमेंट का लैंड में जो लोग जो कल्टिवेशन करते हैं उसको भी आउट कर रहे, उसको बाहर कर रहे। तो हम सरकार को चाहते कि भाई कुछ अल्टरनेटिव करना चाहिए, जो कानून जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन में फिर चेंज करना चाहिए, इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। खेती करते हैं और खेती में कुछ नहीं ना, ऐसे खेती में कुछ ऐसा नहीं होता जिससे हमारा घर चले, इसलिए हम अब यहाँ से सीधे लोनी जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। सभी हमारे जो ग्रुप है, हमारे सभी जो शाल्य पोषण आहार बनाते हैं स्कूल में, उस सब हम सब साथ जा रहे हैं। अपना खेती अपने नाम के करने के लिए अपन इधर आ रहा है। तीन दिन पैदल चलोगे धूप में? चलेगा। डर नहीं लग रहा? नहीं, इतना धूप है, मतलब लोग बीमार हो? नहीं, कोई धूप नहीं है।